चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री मोदी आज सोमवार को दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। उन्होंने 1000 दीदियों को ड्रोन सौंपे। ये ड्रोन फसलों की निगरानी, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का छिड़काव और बीज बुवाई जैसे कामों में मददगार होंगे। पीएम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में नमो ड्रोन दीदियों की ओर से आयोजित कृषि ड्रोन प्रदर्शनी भी देखी। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि जब भी मैंने महिला सशक्तिकरण पर बात की तब कांग्रेस जैसी पार्टियों ने मेरा मजाक उड़ाया और अपमान किया। मोदी की स्कीम जमीनी अनुभवों और नतीजों पर आधारित है। आज हमने 10,000 करोड़ रुपए की राशि इन दीदियों के खाते में जमा कराई गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान गिरिराज सिंह जी, श्री अर्जुन मुंडा जी, श्री मनसुख मांडविया जी और देश के अलग अलग हिस्सों से आई हुई विशाल संख्या में यहां पधारी हुई और आपके साथ साथ वीडियो के माध्यम से भी देश भर में लाखों दीदी आज हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस सभागृह में तो मैं देख रहा हूं कि शायद ये लघु भारत है, हिंदुस्तान का हर भाषा हर कोने के लोग यहाँ नजर आ रहे हैं, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज का ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिहाज से बहुत ऐतिहासिक है। आज मुझे नमो ड्रोन दीदी अभियान के तहत 1000 आधुनिक ड्रोन महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सौंपने का अवसर मिला है। देश में जो 1 करोड़ से ज्यादा बहनें पिछले दिनों अलग अलग योजनाओं और प्रयासों के कारण 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं, यह आंकड़ा छोटा नहीं है। और अभी जब मैं बात कर रहा था तो वो किशोरी बहन मुझे कह रही थी वो तो हर महीने 60-70 हजार 80 हजार तक पहुंच जाती है बोले कमाने में। अब देश के नौजवानों को भी प्रेरणा दे सकते हैं, गांव में एक बहन अपने उद्यम से हर महीने 60,000-70,000 रुपया कमाती है, उनका आत्मविश्वास देखिए। हाँ, किशोरी वहां बैठी है, हाथ ऊपर कर रही है। और जब मैं ये सुनता हूं देखता हूं तो मेरा विश्वास बहुत बढ़ जाता है। आपको आश्चर्य होगा, कभी कभी आप जैसे लोगों से छोटी मोटी बातें सुनने को मिलती है ना, तो मुझे विश्वास बढ़ जाता है हाँ यार, हम सही दिशा में हैं, देश का जरूर कुछ भला होगा।